लाल फीताशाही और अनुचित व्यापार प्रैक्टिस सहित कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पूरे यूरोप के किसान महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर प्रदर्शनकारियों या फिर उन्हें नियंत्रित करने वाली पुलिस दोनों में से किसी भी तरफ से थोड़ी भी लापरवाही हुई तो प्रदर्शन के हिंसक होने का डर रहता है। कुछ ऐसी ही घटना ब्रुसेल्स में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घट गई, जिससे प्रदर्शन हिंसक हो गया। दरअसल महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन को सुलझाने के लिए यूरोपीय संघ के कृषि मंत्रियों को ब्रुसेल्स में बैठक करनी थी, लेकिन कृषि मंत्रियों की बैठक से पहले ही किसानों ने यूरोपीय संघ हेडक्वार्टर के बाहर ही सड़कों को सील कर दिया। किसानों ने ट्रैक्टरों से बैरिकेड तोड़ दिए और आलू, अंडे, खाद और पुआल से सड़कों को भर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शनकारी सेंट्रल रुए डे ला लोई की तरफ बढ़े और यहां उन्होंने पुलिस नाकेबंदी के सामने अंडे, गोबर और गोले फेंकने के साथ ही घास में आग लगा दी। इसके जवाब में पुलिस ने पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। घटना की आलोचना करते हुए बेल्जियम के आंतरिक मंत्री एनेलिस वर्लीडेन ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोषियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। अधिकारियों ने यात्रियों से ब्रुसेल्स से बाहर रहने और जहां तक संभव हो तो उन्हें घर से काम करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ की सख्त नीतियों और सब्सिडी में कटौती सहित पर्यावरण नियमों को लेकर फिनलैंड से लेकर ग्रीस, पोलैंड और आयरलैंड तक पूरे यूरोप में किसान कई महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का तर्क है कि ब्रुसेल्स की योजनाएं उन्हें व्यवसाय से बाहर कर देंगी। यूरोप के किसान लगातार तथा कथित ग्रीन डील द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बदलाव की मांग कर रहे हैं और ब्लॉक के बाहर मुख्य रूप से यूक्रेन से सस्ते कृषि आयात को रोकने की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसानों को कुछ रियायतें मिल चुकी हैं, जिनमें खेतों पर कंट्रोल को कम करना और कीटनाशक और पर्यावरण नियमों में ढील देना शामिल है, लेकिन उनकी कुछ मांगे अभी भी बाकी हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बेल्जियम के कृषि मंत्री डेविड क्लेरिनवाल ने कहा कि हमने अपने किसानों की बात सुनी है और ऐसे समय में जब वे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो हमने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। यूरोपीय संघ के कृषि मंत्रियों ने उन उपायों पर भी हस्ताक्षर किया है जो किसानों के लिए यूरोपीय संघ की आम कृषि नीति का कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी यानी CAP के तहत सब्सिडी की शर्तों को संशोधित करते हैं। किसानों के विरोध के पीछे ये भी एक बड़ा कारण था।